बिकॉज मैं पूरी तैयार थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, मेरे को वाइब नहीं आ रही है, मैं लिटरली अब तंग आ चुकी हूँ। थोड़ा पीछे लोग गाने बजा देंगे, नाच के घर चले जाएंगे, बस वही सब ही हो रहा है। अच्छा फोटो खिंचा लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतने बुरे गाने और उसे बंद कर दिया। We are reading confessions, जो हमारे कॉलेज के confessions हैं। मेरे ब्लॉग्स के थ्रू मैं बहुत ड्यू को प्रमोट जो करती हूँ, तो थोड़ी रियलिटी में बतानी चाहूंगी। आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को या इवन कोई भी स्टूडेंट्स को तो आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते हो कि आप आओ सिर्फ बोलो और चले जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम लवशा। सो वेलकम बैक टू अनदर ड्यू व्लॉग। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन प्रेजेंट बिकॉज ये वीडियो वॉज शॉट 10 days अगो एंड उस टाइम मुझे इंट्रो शूट करने का टाइम नहीं मिला था। सो बेसिकली दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट ड्यू लाइफ, बट फर्स्ट आई हैव रिकॉर्डेड 2 days। सो फर्स्ट हमारे कॉलेज में इवेंट था, सो इवेंट था दैट वॉज नेम्ड जलसा, वो फ्रेशर्स था। सो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन केस यू डिडंट नो। सो हमारे लिए फ्रेशर्स का कुछ इतना था नहीं, बट हमारे लिए सिर्फ डीजे नाइट थी, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ फ्रेशर्स एंड हम सिर्फ उसके लिए ही गए थे कॉलेज में, बिकॉज उसके अलावा हमें और कुछ काम नहीं था। बट मैं वैसे मेरा मन तो नहीं था जाने का, बट आई स्टिल वेंट टू रिकॉर्ड एंड टू सी कि क्या होने वाला है फ्रेशर्स में, बिकॉज हम कोविड बैच है एंड हमें तो फ्रेशर्स मिली नहीं थी। सो इसलिए आई वेंट एंड इवेंट जैसे हमारे वेंकी के इवेंट होते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट नॉट वेरी ग्रेट इवेंट्स ठीक होते हैं, बट ये वाला इवेंट तो आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू स्पॉयलर्स बिकॉज आप वीडियो में आगे देखोगे कि इवेंट में हुआ क्या था। सो ये इवेंट इतना ग्रेट नहीं था, मैं पहले ही थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रही हूँ। सो या एंड देन अनदर डे आई रिकॉर्डेड, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे इन माई कॉलेज कि हम कैसे अपने कॉलेज में हमारा दिन कैसा जाता है, कैसे क्लासेस लगती है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आपको थोड़ा सा स्निपेट मिले कि मेरी डीयू की लाइफ कैसी दिखती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर डीयू के स्टूडेंट की लाइफ ऐसी ही होती है, बट जस्ट थोड़ा सा क्लिप्स। ऑल्सो दिस इवेंट की थीम वॉज एथनिक, सो मेरे पास एक सूट था जो मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे पहना था। सो आई डोंट थिंक सो उसकी फोटो भी मेरे इंस्टाग्राम फीड पे कभी होगी या कभी देखा भी होगा किसी ने, बिकॉज वो मैंने सिर्फ तभी पहना था एंड उसके बाद मैंने वो अब पहना है इस इवेंट पे एंड वो मुझे एग्जैक्टली फिट हुआ है। मतलब मैं 3 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली है मेरी बॉडी टाइप। सो या वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू अ प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन लविंग रिसेंटली। सो बिकॉज विंटर्स अब ऑलमोस्ट आ चुकी हैं एंड विद विंटर्स कम ड्राई एंड चैप्ड लिप्स एंड रफ लिप्स, सो वो चीज़ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट माई लिप्स टू बी नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज्ड। सो आई हैव बीन यूजिंग मामा अर्थ नरिशिंग टिंटेड लिप बाम्स। These lip balms are infused with 100% natural goodness of shea butter and coconut oil and they make my lips soft, nourished, supple and colorful all at once. The tint in the Mamaearth lip balms make my lips look naturally pink and rosy. Different tints can be used for different occasions. Mamaearth lip balms also come with the non-tinted variants. The best thing about these lip balms are that they are so affordable and also they are 100% toxin free and made with the goodness of natural ingredients. सो वैसे तो इनके ऑल लिप बाम्स आर वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग एंड टेंट इज ऑल्सो बहुत ही प्यारा, बट इफ यू हैव टू चूज वन लिप बाम जो कि मेरा फेवरेट है, दैट इज दिस वन विद द टेंट ऑफ स्ट्रॉबेरी। मैं ये लिप बाम डे एंड नाइट यूज कर रही हूँ, दिस इज वेरी नरिशिंग, वेरी मॉइस्चराइजिंग। उसका ये टेंट बहुत ही प्यारा सा लाइट पिंक से कलर है एंड अगर आपको कोई एक लेना है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बट वैसे ऑल द लिप बाम्स आर वेरी नाइस। यू कैन बाय दीज लिप बाम्स फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट और फ्रॉम अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल। ऑल्सो मामाअर्थ की अब ऑफलाइन स्टोर्स भी है, यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। टू गेट 20% ऑफ यू कैन यूज माई कूपन कोड LOVI2023 एंड ऑल द लिंक्स विल बी गिवन बिलो, चेक देम आउट एज वेल। ऑल्सो एवरी टाइम यू ऑर्डर फ्रॉम मामाअर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एंड That's a great initiative. And Mamaearth is all about goodness inside, and their goodness just doesn't lie in the products, but also the values that they stand for. And I would like to thank Mamaearth for partnering up with me for this video. And let's continue the vlog. Okay, so the update is that मैं पूरी तैयार हो गई. This is the makeup, and you can see मेरे बाल.
सो आई कर्ल, लाइक मैंने स्ट्रेटनर से सॉफ्ट कर्ल्स करने की ट्राई किया जो कि ठीक लग रहा था, बट देन उसके बाद वो बहुत ही अजीब दिखने लग गया एंड मैंने बहुत कोशिश करी दोबारा से उसको सब कुछ करने की, दोबारा से सेट करने की, बट आई डोंट नो आज क्या मेरे बालों के साथ हो रहा है। एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने हेड वॉश, लाइक वो मेरा थर्ड डे था तो फ्रेश हेयर नहीं थे, इसलिए कुछ भी जो भी मैं कर रही थी वो ऐसे निखर के नहीं आ रहा था मेरे बालों में। मैं पूरा तैयार हो गई, मैं निकलना था मुझे उस टाइम पे, बट देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड शी सेड कि वो भी लेट आएगी बिकॉज जो मेन डीजे नाइट है वो बाद में ही है, अभी सिर्फ परफॉर्मेंसेस हो रही होंगी। सो मुझे बहुत पैसा लग रहा था तो आई वॉश्ड माय हेयर, पूरा तैयार हो के यू कैन सी कि मैंने एक्सेसराइज तक कर रखा है पूरा बिकॉज मैं पूरी तैयार थी, बट देन आई थॉट कि नहीं मेरे को वाइब नहीं आ रही है, फिर मैंने दोबारा से हेड वॉश किया। अभी बस मेरे बाल जब सूखेंगे तो जैसे मेरे नेचुरल बाल है मैं वैसे ही कैरी करूँगी बिकॉज मैं लिटरली अब तंग आ चुकी हूँ अपने बालों से। सो या जब ये सूख जाएंगे एंड जब मैं निकलना होगा तो आई विल सी यू देन। सो आई एम रेडी, इट्स 3:00 नाउ एंड आई एम रेडी टू गो। एंड बालों का मैंने अपने बाल बस ऐसे ही बांध लिए जो कि अब डिसेंट लग रहे हैं, बट ठीक है दिस इज वट वी हैव, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। नाव आई एम नॉट लेट बिकॉज सच कुछ करना नहीं है वहां जाके, बट येस नाव आई एम लीविंग। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. कलम से कलम में स्याही नहीं है, मैं कब से इंतजार में हूँ तेरे, तू आई नहीं। Thank you. थोड़ा पीछे। So we are in the college and जैसा हमारा हर फेस्ट होता है, जैसा आपने लास्ट वॉक में भी देखा है जैसा हर फेस्ट होता है वैसा ही ये भी है, नथिंग ग्रेट। वही स्टॉल्स लगे हैं, कुछ वैसा ही सब कुछ है, अभी वही लोग गाने बजा देंगे, नाच के घर चले जाएंगे, बस वही सब ही हो रहा है। तो वी आर जस्ट ईटिंग एंड उसके बाद डांस स्टार्ट होने वाला है, बस वो करके और हम वापस चले जाएंगे। इट्स जस्ट सिंपल, ऐसा फेस्ट होता है हमारे यहाँ। आजा फोटो खिंचा लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या कर रहे हैं? गाने नहीं चला रहे, बहुत ही गंदे गाने चला रहे हैं। कैसा लग रहा है फिक्स? बहुत 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 भाई, गाने ही बंद कर दिए, ये कोई इतने बुरे गाने, इतने बुरे गाने, और वो भी बंद कर दिए आप तो। ये बेचारे लोग अपना ही कर रहे हैं क्योंकि डीजे तो चला चला ही नहीं है। The next day. Hi, good morning. So it's the second day after the event and I am going to college. So आज हमारी क्लासेस बहुत कम है, सो आई एम व्लॉगिंग एंड लेट मी शो यू कि हम कॉलेज में करते क्या है एंड कैसा हमारा दिन ज़्यादा है। बट मैं कॉलेज ज़्यादा आती नहीं हूँ, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये ब्लॉग देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे क्योंकि कॉलेज तो आती नहीं है। तो यस, मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा कॉलेज, बट आज मैं आई हूँ एंड लेट मी शो यू कि हम करते क्या है कॉलेज। We are done with the first class and अभी हमारी second class है of marketing. वैसे आई एम नॉट द स्टूडेंट जो क्लास में बैठ के नोट्स बनाती है, बट आज मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, लेट मी शो यू। हमारी फर्स्ट क्लास थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, सो दीज आर द नोट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड देन अभी हमारी क्लास थी मार्केटिंग की एंड दीज आर द नोट्स ऑफ मार्केटिंग। हमारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, अभी सिर्फ लास्ट क्लास बची है एंड हमारी क्लास वैसे तो वो स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज 12 बज गए हैं, बट वी आर थिंकिंग मैं एंड अक्षत, हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा लेट जाए क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो टीचर हमें पसंद नहीं है क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं आता है एंड हाँ सब्जेक्ट भी कुछ खास नहीं है। सो अभी हमारा थोड़ा खाने का ब्रेक चल रहा है, अक्षत के घर से आए सांभर चावल एंड कॉफ़ी
एंड कॉर्न्स वगैरह सब कुछ हम खा रहे हैं एंड उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। 20 minutes later. So we are reading confessions, जो हमारे कॉलेज के confessions हैं। एक लड़की दिखी थी कैंटीन में, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेम, शॉर्ट स्ट्रेट हेयर, मंदिर में जैसे चांदनी रात जैसे नगरी की बात जैसे, अरे मंदिर में जलता हुआ जलता दिया। We're done with the classes and now we are leaving. अभी कितना time हुआ है? 1:30. आज हमारी कम ही classes थी तो हम जल्दी free हो गए हैं. And also मुझे एक चीज़ discuss करनी है because मेरे vlogs के through मैं बहुत Dew को promote जो करती हूँ तो थोड़ी reality में बतानी चाहूँगी. Thing is that Dew में ऐसे बहुत सारे professors हैं जो कि सिर्फ आएंगे अपना अपने ही नोट्स में से या बुक में से सिर्फ पढ़ेंगे एंड बोर्ड पर लिखेंगे और चले जाएंगे. उनको नो डाउट बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी नॉलेज है बट उनको पढ़ाना नहीं आता है बिकॉज इवन मेरे बैच में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं एंड आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को या इवन कोई भी स्टूडेंट्स को तो आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते हो कि आप आओ सिर्फ बोलो और चले जाओ. आई नो ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, यहाँ पर खुद से पढ़ना पड़ता है बट स्टिल दिस इज़ नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम DU टीचर्स या प्रोफेसर्स. सो मतलब हाँ, जो मेरा एक लेक्चर था उस दिन उसमें वो टीचर ऐसे ही करते हैं. सो दैट्स द रीज़न कि मुझे ये बात आई कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी है बिकॉज एज आई सेड कि DU को अगर मैं बहुत प्रमोट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक भी दूँ कि यहाँ पर सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते कॉलेज में. एंड ऐसा नहीं सिर्फ वेंकी की बात नहीं है, आप कोई भी ले लो कॉलेज जिनको नहीं आता है पढ़ाना. सो एंड बट बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको लाइव एग्जांपल्स देंगे, सब कुछ करेंगे जैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए एक स्टूडेंट को. सो या दैट्स द थिंग एंड येस लेट्स एंड दिस व्लॉग. दैट्स ऑल अबाउट द इवेंट एंड द डे दैट आई स्पेंड इन कॉलेज. इवेंट भी इतना ग्रेट नहीं था, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आप ऑलरेडी बहुत ये सब चीज़ें सुन चुके हो मेरे मुँह से तो मैं दोबारा इस बात को स्टार्ट नहीं करूँगी. सो या लेट्स एंड दिस व्लॉग. आई होप यू एन्जॉयड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय. क्या बोलना था मुझे. मामा अर्थ लिप बाम्स ऑल्सो कम्स इन मामा अर्थ लिप बाम्स.